आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों ने जहां पहले ही जनता की कमर तोड़ी हुई है, तो अब एलपीजी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से जनता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई हैं। वहीं अब पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं महंगाई के वार से जनता का बेहाल, हमारी रिपोर्ट। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1003 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 1029 रुपए प्रति सिलेंडर, मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर, चेन्नई में 1018 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 2454 रुपए प्रति सिलेंडर, मुंबई में 2306 रुपए प्रति सिलेंडर, चेन्नई में 2507 रुपए प्रति सिलेंडर। पहले से महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमियों को एक और झटका मिला है। दरअसल गुरुवार से रसोई गैस महंगी हो गई है। इसी के साथ पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार हो गई है। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज 3.50 रुपए का इजाफा किया गया है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लागत पे ज़्यादा जा रही है, हमारी लागत ज़्यादा जा रही है, बजट हमारी कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कौन सामान किस रेट का बेचूँ। हम लोग के जेब पे बहुत असर आ रहा है सर, जैसे घरेलू गैस ही क्या हर चीज़ महंगी हो रही है। गैस पहले कहाँ 450 में हम लोग लेते थे, अब 1000 के ऊपर हो गए। पेट्रोल हम लोग 45-35 में लेते थे, वो 135 हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल जेब में असर आ रहा है, कमाई इतनी है नहीं, वही है सब। बढ़ते महंगाई में क्या है, गरीब इंसान अपना गला घोट के बैठ रहा है, जैसे मर्जी हो वैसा। लोग अगर दो पैसे का काम भी करते हैं तो उसमें भी बजट निकाल लेते हैं अपना। गरीब इंसान तो करेगा करेगा, नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है और आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस साल में अब तक 3री बार बढ़ोतरी की गई है। हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, इससे उपभोक्ता के साथ साथ दुकानदार का भी नुकसान है, क्योंकि जब जब महंगाई बढ़ती है तो हमारा मार्जिन दुकानदारों का कम हो जाता है और हर चीज़ के लिए उपभोक्ता बार्गेनिंग करता है, तो 99% करीब आइटमों पर महंगाई बढ़ गई है, जिसका दुकानदार को बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ जी सर, महंगाई तो बढ़ी रही है सारी, हर चीज़ पे मतलब महंगाई है, राशन पे, सिलेंडर हो गया, आटा हो गया, कुछ भी है, रिफाइंड हो गया, सब महंगाई है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में 1000 के पार पहुंचे घरेलू गैस सिलेंडर ने रसोई में खाना पकाना काफी महंगा कर दिया है। इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों पर महंगाई का डबल अटैक पड़ा है अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो देश की जनता महंगाई के बोझ तले दब कर रह जाएगी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।